हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मला और मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूं आपको छोले मसाला की रेसिपी। छोले रोटी पूड़ी नान सबके साथ खाए जाते हैं और ये खाने में टेस्टी भी बहुत लगते हैं। तो मैं बहुत सिंपल लेकिन टेस्टी रेसिपी आपको इसकी बताऊंगी, जिससे ये खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें ये रेसिपी। छोले बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कप काबुली चने लिए थे, जिन्हें मैंने रात भर के लिए भिगो दिया था और अब ये फूल कर 2.5 कप हो गए हैं। तो रात भर के लिए काबुली चने को भिगो के रखें तो ये बहुत ही अच्छे से फूल जाते हैं। साथ में 4 बड़े टमाटर की प्यूरी बना ली है, 1 बड़ा कटा हुआ प्याज लिया है, 2 छोटी कटी हुई हरी मिर्च ली है। आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा हरी मिर्च लें। साथ में अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है और 10 से 12 लहसुन की कलियां हैं। साथ में कटी हुई धनिया पत्ती ली है। तेल ले लेंगे 4 से 5 बड़े चम्मच। कसूरी मेथी लेंगे 1 बड़ा चम्मच, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है छोलों में। खड़े मसालों में हम लेंगे चुटकी भर हींग, साथ में 2 तेज पत्ते, 1 बड़ी इलायची, 1/2 इंच दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 1 छोटा चम्मच जीरा, 3-4 लौंग लिए हैं और 4 से 5 काली मिर्च ली है साबुत। मसालों में हम लेंगे सबसे पहले छोला मसाला, तो 1 बड़ा चम्मच छोला मसाला ले लेंगे। यह आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अमचूर का पाउडर लेंगे 1 छोटा चम्मच, गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 छोटा चम्मच, हल्दी का पाउडर 1/4 छोटा चम्मच और नमक ले लेंगे स्वाद के अनुसार। तो चलिए छोले बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक प्रेशर कुकर ले लेंगे, अब इसके अंदर ये चने डाल देंगे। अब इनके अंदर हम 2.5 गिलास पानी का डालेंगे। बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, नहीं तो ग्रेवी है वो बहुत ही थिक हो जाएगी, क्योंकि हम पूरा पानी इस्तेमाल करेंगे और चने पहले से भिगोए हुए हैं तो ये बहुत ज़्यादा पानी सोख नहीं करेंगे। तो 2.5 गिलास पानी डाल दिया है और अब नमक भी डाल देंगे। नमक आप ध्यान रखें कि कितना डाला है, क्योंकि बाद में नमक है वो ज़्यादा हो सकता है। तो अब इसे हम उबाल आने देंगे और 3 सीटी लगाएंगे चनों की। 3 सीटी में चने बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं और ये गलते भी नहीं है। तो इसी प्रकार के छोले हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है छोलों को। तो अब एक कढ़ाई ले लेते हैं जब तक कुकर का प्रेशर ख़त्म होता है। कढ़ाई में डालेंगे तेल, तेल आप थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ करें, इससे ग्रेवी है वो बहुत ही अच्छी बनती है। तेल जब गर्म हो जाए तो सारे खड़े मसाले इसमें डाल दें, साथ में हींग भी डाल दें। अब हल्का सा रोस्ट कर लेंगे इन्हें। अब इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को 1/2 मिनट पका लेंगे। खड़े मसालों का इस्तेमाल करने से जो छोले बनते हैं वो बहुत ही टेस्टी बनते हैं, तो आप खड़े मसालों का इस्तेमाल ज़रूर करें। प्याज को 1/2 मिनट पकाने के बाद हम इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च डालेंगे और अब इनको भी 1/2 मिनट और पका लेंगे। सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से पक चुकी हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे हल्दी का पाउडर। तो 1/4 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर डाल दिया है, साथ में इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और लाल मिर्च का पाउडर भी डाल लेंगे। ध्यान रखिए सूखे मसाले डालते समय हमेशा गैस का फ्लेम लो रखें। यदि सूखे मसाले डालते समय आपके मसाले जलते हैं तो आप मसालों के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर उन्हें पकाएं, तो इससे मसाले जलेंगे नहीं। सारे मसालों को अच्छे से पका लेंगे। मैंने यहाँ पर अमचूर पाउडर भी अभी ऐड कर दिया है ताकि इसका थोड़ा सा कच्चापन जो होता है वो भी निकल जाए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब मसालों को पकाने के बाद हम इसमें टमाटर की प्यूरी भी डाल देंगे। अब इस प्यूरी को हम मसालों में बहुत अच्छे से पकाएंगे, यानी जब तक पकाना है प्यूरी को जब तक ये अच्छे से तेल ना छोड़ दे। तो इसे ढककर पकाएंगे, क्योंकि टमाटर की प्यूरी उबलते वक्त बहुत ही उछलती है, तो इसे ढककर पकाएं। इधर कुकर का प्रेशर भी ख़त्म हो चुका है तो इसे भी खोल लेते हैं। चने बहुत ही अच्छे से उबल चुके हैं तो इसे चेक कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा चनों को नहीं गलाना है हमें, क्योंकि हम इन्हें मसालों में भी पकाएंगे। ग्रेवी को भी चेक कर लेते हैं, तो ग्रेवी है वो पक रही है लेकिन अभी बहुत ज़्यादा नहीं पकी है, यानी इसने तेल छोड़ना स्टार्ट नहीं किया है। तो हम इसे 1-2 मिनट और पकाएंगे ढककर। ग्रेवी को दोबारा चेक कर लेते हैं, तो अब आप देख रहे होंगे कि ऊपर तेल तैरने लगा है, यानी ग्रेवी बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। तो इस तरह की ग्रेवी हमें पकानी है ताकि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए इसका। तो मिक्स कर लेंगे इसे। अब जो छोले हमने उबाले थे उसे पानी समेत इसमें डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे इसे। आप चाहें तो छोलों को उबालते समय उसमें दालचीनी या तेज पत्ता या चाय की पोटली भी उसमें डाल सकते हैं।
अब छोलों को इसमें ढककर पकाएंगे। ये देखिए छोले हैं वो बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं, लेकिन अभी भी ग्रेवी है वो अच्छी गाढ़ी नहीं हुई है, हमें घुली हुई ग्रेवी बनानी है। तो इससे पहले हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे और साथ में हम डाल देंगे इसमें छोले मसाला और गरम मसाला, नमक डाल देंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमने चनों को उबालते समय बहुत ज़्यादा नमक नहीं डाला था, तो थोड़ा सा नमक और डाल देंगे इसमें। अब इसे ढककर हम एकदम गाढ़ी ग्रेवी होने तक पका लेंगे। तो ये देखिए ऊपर तेल तैरने लगा है, यानी ग्रेवी बहुत ही अच्छे से पक गई है और सारा पानी सोख कर लिया है चनों ने। तो चनों को मसाले में यानी ग्रेवी में पकाने से उसमें टेस्ट आ जाता है छोले में, तो इससे बहुत ही अच्छे छोले बनते हैं। तो अब धनिया पत्ते से इसे गार्निश कर लेंगे। आप चाहें तो इसे ऊपर से नींबू डालकर भी खा सकते हैं। तो तेज पत्ता और ये जो दालचीनी का टुकड़ा हमने डाला था उसे हटा देते हैं। तो छोले बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इन्हें रोटी पूरी पराठे सभी के साथ सर्व करें, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप एक बार ज़रूर बना के देखें ये छोले। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। यदि ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और अपने सुझाव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।